जय हिंद दोस्तों, मैंने आपको दो दिन पहले Samsung Galaxy A52s 5G की अनबॉक्सिंग दी थी और आज मैं आपके सामने एक छोटा सा रिव्यू शेयर करना चाहता हूं जो मैंने स्मार्टफोन के साथ में दो तीन दिनों के अंदर महसूस किया कि इसकी बिल्ड क्वालिटी, कैमरा, परफॉर्मेंस एक्चुअल हमें रियल लाइफ में कैसे मिलती है। अगर आप इसकी अनबॉक्सिंग और गिव अवे को देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके भी आप देख सकते हैं। आज हम कंप्लीटली इसका एक रिव्यू करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं जहां पर हम लेके आते हैं अनबॉक्सिंग, रिव्यू, गिव अवे, कंपैरिजन, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए पहले एक छोटी सी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आपको यहाँ पर बॉक्स मिल गया, बॉक्स के अंदर एक सेक्शन है जहाँ पर कुछ पेपर वर्क है, कवर आपको नहीं मिलता है यहाँ पे, है ना, कवर आपको नहीं मिलता है, ये एक बुरी बात है। 40,000 रुपये के आसपास का फ़ोन है ये, 37,500 रुपये कवर नहीं मिलता है, बैड थिंग। यहाँ पर आपको सिम इजेक्टर टूल मिल गया, एक 15 वाट का चार्जर मिलता है बॉक्स के अंदर, फ़ोन 25 वाट को सपोर्ट करता है। क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 40,000 रुपये के आसपास के स्मार्टफोन में आपको 15 वाट का चार्जर मिलता है? ईयरफोन यहाँ पर नहीं है, एक स्मार्टफोन है एंड डेटा केबल है, डैट्स इट। ये हुई इसकी एक क्विक अनबॉक्सिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इन हैंड फील कैसी देता है। देखिए दोस्तों, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इन हैंड फील मुझे ये काफ़ी अच्छी देता है। ऐसा लगता नहीं है कि ये स्मार्टफोन हाथ से गिर जाएगा, नो, बहुत ही अच्छी फिटिंग है ना, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। कमी क्या लगती है मुझे, वैसे देखा जाए तो सारी कमियाँ ही हैं। पहले हम एक अच्छी बात की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको IP67 रेटिंग मिलती है, पानी वाने में ज़्यादा नुकसान आपका यहाँ पर नहीं होगा। अब बात करते हैं एक्चुअल फिजिकल ओवरव्यू की। यहाँ पर आपको दोस्तों ये जो डिज़ाइन है ना, एक तो ये डिज़ाइन बिल्कुल सेम मिलती है A52 की तरह, कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं किया गया है। प्लास्टिक, दैट्स इट। यहाँ पर दोस्तों हर जगह आपको प्लास्टिक मिलता है। 40,000 रुपये का स्मार्टफोन और हम उम्मीद क्या रखते हैं कि यहाँ पर हमें सैमसंग देता है एक प्लास्टिक का बैक और एक प्लास्टिक का फ्रेम, ये मुझे पसंद नहीं आया। हालांकि ये मैट फिनिशिंग है, यहाँ पर उंगलियों के निशान इतने आसानी से नहीं पड़ते हैं, देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है, इन हैंड फील काफ़ी अच्छी देता है, लेकिन दोस्तों प्लास्टिक तो प्लास्टिक रहेगा ना, बस वही वाली बात है। बाकी ठीक है, बस क्वालिटी बेकार है, दिखने में ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्पीकर्स की, तो एक तरह से यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, डुअल स्पीकर मिलते हैं, जिनकी क्वालिटी ऑन एन एवरेज है, इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, क्योंकि हम बात करते हैं, अगेन मैं कह रहा हूँ आपको, 37,500 रुपये के स्मार्टफोन की। चलो आपको मैं साउंड क्वालिटी यहाँ पे सुना देता हूँ, वही अपनी वाली एक फेवरेट ट्यून। ऑल राइट, देखिए यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड करके रख लिया, क्योंकि मुझे पता है बार बार काम आने वाली थी ये। ये देखिए दोस्तों, ये है इसकी क्वालिटी। पूरा वॉल्यूम मैं यहाँ पर ऊपर कर देता हूँ, दैट्स इट। तो ठीक है, वैसे क्वालिटी बुरी नहीं है, लेकिन ठीक है ना। अगर हम 40,000 रुपये के स्मार्टफोन की बात करते हैं, उतनी ज़्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि Nord 2 मैं आपको शेयर कर चुका हूँ कैसी क्वालिटी देता है, ठीक ठाक है, उतनी ज़्यादा बेटर नहीं है। आप शब्दों पे मत जाइए, भावनाओं को समझिए कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप 40,000 रुपये के स्मार्टफोन के अंदर साउंड सुन रहे हो। ऑलराइट दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करता हूँ डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले का साइज काफ़ी अच्छा है। वैसे तो 6.43 एक कॉम्पैक्ट साइज है, लेकिन 6.5 ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाता, एक कॉम्पैक्ट साइज इसे कह सकते हैं। 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है और 800 निट्स की आपको ब्राइटनेस पीक मिलती है। ये चीज़ मुझे काफ़ी हद तक पसंद आई, सैमसंग ने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन भैया ऐसा है ना कि 100 गुण तो किसी में नहीं मिलेंगे, है ना, 100 में से 100 नंबर तो किसी को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि प्री इंस्टॉल्ड ऐप रख दी यहाँ पे, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल कर पाते हैं, लेकिन प्री इंस्टॉल्ड ऐप रख दी है यहाँ पे, बैन ऐप नहीं है, प्री इंस्टॉल्ड ऐप है। इन्हें अनइंस्टॉल करने के बाद में आपको एक नीट एंड क्लीन UI मिलता है, जो कि मेरा फेवरेट है, Samsung का UI मेरा फेवरेट है। यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है दोस्तों, वो बहुत अच्छे से काम करती है, टच एंड स्वाइप बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ ओपन करते हैं, ऐप ओपनिंग टाइम वगैरह वो काफ़ी बेटर है, किसी तरह का कोई फ्रेम ड्रॉप, लैग वगैरह नॉर्मल यूजेज में मुझे देखने को नहीं मिला। एक और अच्छी चीज़ कि ये जो डिस्प्ले है ना, बिल्कुल फ्लैट है, और ये जो पंच होल है दोस्तों, ये बहुत ही छोटा है, सिल्वर रिंग है, जो कि काफ़ी बेहतर लगती है। आप देख लीजिए चिन को, बेजल्स को, ऊपर के बाउंड्री को, काफ़ी अच्छे लगते हैं। रेक्टेंगल है, जो कि डिस्प्ले को देखते हुए मुझे कोई तरह की दिक्कत यहाँ पर नहीं लगी। अपना जो पैसा था ना, वो डिस्प्ले के अंदर तो यहाँ पर पूरा वसूल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कैमरा की, तो कैमरा के अंदर दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, फन, सिंगल टेक, फोटो, वीडियो, है ना, मोर के अंदर आपको जो है स्लोमो वगैरह मिल जाते हैं, प्रो वीडियो मिल जाता है, ये काफ़ी बेहतर है।
और कैमरा कितने का है क्या है वो मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर दूंगा। यहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट मिलता है, 4K रिकॉर्डिंग आप कर पाते हैं और सेल्फी के अंदर भी आप जो है 4K रिकॉर्डिंग कर पाते हैं, कोई तरह की दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आती है। कैमरा ऐप वगैरह मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, आप देख सकते हैं कि कैसी लगती है। मुझे जो यहाँ पर हल्की सी कमी लगी ना वो ये है कि कलर कभी कभी थोड़ा सा डार्क हो जाता है, बाकी जो डिटेल है जो शार्पनेस है वो काफ़ी हद तक बेहतर आती है, कोई दिक्कत नहीं लगती है, कोई सॉफ्टनेस वगैरह बिल्कुल नहीं है। एक लगता है कि हाँ आपने एक प्रीमियम स्मार्टफोन पकड़ा है, आप फोटो जो खींचते हो ना वो प्रीमियम लगती है, डिटेल काफ़ी अच्छी है। तो कैमरा यहाँ पर क्वाइट इम्प्रेसिव है, धूप के अंदर अगर आप डायरेक्ट सनलाइट आपके फेस पे आती है ना तो उसे ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी कर देता है, कई बार में कभी कभी थोड़ा सा वाइट ले आता है, वो चीज़ देखिए नॉर्मल है, वो दिक्कत आती है क्योंकि धूप के अंदर फोटो लेना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, बाकी नॉर्मल कंडीशन में फोटोग्राफी काफ़ी हद तक बेहतर है। लेकिन दोस्तों इसके जो 5 मेगापिक्सल्स के जो सेंसर है ना डेप्थ के मैक्रो के, ये उतनी अच्छी क्वालिटी मुझे नहीं दे पाए जितनी मुझे उम्मीद थी। सैमसंग के कुछ स्मार्टफोन और भी है जहां पर ये 5-5 मेगापिक्सल्स के मिलते हैं, उनमें मुझे क्वालिटी थोड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन इसकी मुझे स्लाइटली यहाँ पे कम लगती है। ओवरऑल कैमरा क्वालिटी परफेक्ट। अगर हम बात करते हैं बैटरी की तो बैटरी यहाँ पर क्वाइट सफिशियंट है, 4500 mAh की बैटरी, लेकिन चार्जर ओ माई गॉड 15 वाट का चार्जर मिलता है 35 से 40 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर, क्या ही बोले, मतलब कम से कम भी अगर हम बात करें ना तो 65 वाट ना दो आप, है ना, 33 वाट तो दे देते कम से कम 15 वाट का चार्जर, और फोन सपोर्ट करता है 25 वाट को, डेट्स इट। अगर मैं आपसे बात करता हूँ परफॉर्मेंस की तो डिटेल मैं आपको यहाँ पर बी रोल में दिखा दूंगा। यहाँ पर आपको 778G मिलता है, 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, ये सब चीज़ें अपने यहाँ पर बेस्ट है। यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 और One UI 3.1 मिलता है। हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, मैंने इसके अंदर BGMI खेल के देखा, फोन हीट नहीं होता है, एक नॉर्मल सा हीटअप आता है जो कि महसूस नहीं होता है, इतना हीट तो दोस्तों कोई भी स्मार्टफोन हो सकता है, है ना, ज़्यादा हीट मुझे नहीं लगा। यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप, लैग होना, ऐसी कोई शिकायत मुझे नहीं आई। मैं पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर गेमिंग कर रहा हूँ, हाँ एक जो चीज़ थी ना वो थी ब्राइटनेस ड्रॉप आपको यहाँ पर महसूस होती है कई बारी में, आपको खेलते खेलते लगने लग जाएगा कि यार ब्राइटनेस कम हो गई, बढ़ानी पड़ेगी, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको क्लियर कट बात बताऊँ ना कि यही सेम परफॉर्मेंस हमें मोटो एच 20 में भी मिलती है, जहाँ पर मैंने इसका आपको कंपेरिजन दे के रखा है, रेनो 6 प्रो में भी मिलती है, है ना, जो कि लगभग इसी रेट का है, एच 20 तो इससे काफ़ी हद तक सस्ता पड़ गया, तो अपनी प्राइस सेगमेंट के हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता है क्योंकि ये काफ़ी महंगा हो गया मेरे हिसाब से, ओवर प्राइस है। अगर ये स्मार्टफोन 30,000 रुपये का होता, 32,000 रुपये का भी होता, है ना, तो भी हम कंसिडर कर सकते थे, लेकिन फिलहाल जो इसके अंदर 778G मिलता है, जो भी मसाला इसके अंदर भरा गया है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ओवर प्राइस है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, इसी स्मार्टफोन को देखते हुए इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसके अंदर मुझे क्या लगता है कि ये कम से कम यहाँ पर ग्लास होना चाहिए था, कम से कम, अगर फ्रेम वगैरह भी मेटलिक कर देते तो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम बैक जो है ना यहाँ पर प्लास्टिक ना हो के ग्लास होना चाहिए था, और वो भी मैट ग्लास होना चाहिए था, है ना, जैसा ये प्लास्टिक दिख रहा है बिल्कुल ऐसा ही अगर यहाँ पे ग्लास होता तो बिल्ड क्वालिटी इसकी परफेक्ट बन जाती। डिस्प्ले को देखते हुए मुझे यहाँ पर कोई भी कमी नहीं लगी है, थोड़ा सा बेजल्स जो है ना उसे कम करने की ज़रूरत है। जो प्रोसेसर है, जो परफॉर्मेंस है, वो देखिए सैमसंग की मर्जी है, उन्होंने यहाँ पर 778G डाला, वो उनकी मर्जी है, लेकिन इसके हिसाब से प्राइस सेगमेंट भी इसके हिसाब से आनी चाहिए थी, प्राइस सेगमेंट यहाँ पे ज़्यादा है। कैमरा क्वालिटी काफ़ी हद तक बेस्ट लगी मुझे, कुछ कमियाँ हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है अपडेट के थ्रू, लेकिन ये स्मार्टफोन दोस्तों मेरे हिसाब से है ना, सैमसंग अगर ऐसा काम करता है तो बहुत जल्द मार्केट में उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है। जैसे कि A52, A72 जो सीरीज़ आई थी ना 4G वाली, वो मार्केट में ज़्यादा चली नहीं, उसी तरह ये भी ज़्यादा चलने नहीं वाली है, मुझे ऐसा लगता है A52S बहुत जल्दी मार्केट में डूब जाएगा, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। रेनो 6 प्रो, मोटो एच 20, नॉर्ड 2, इन तीनों की मैंने आपको कंपेयर वीडियो भी देके रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। आपकी क्या राय है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसी का हम एक गिव अवे भी करने वाले हैं, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आप नए हैं तो पार्टिसिपेट कर लीजिए, शायद आप जीत पाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अगर आपके मन में कोई भी सवाल, सुझाव, फीडबैक है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, जय हिंद।